नमस्कार दोस्तों, यूपीटीआईएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैराथन सीरीज में, और मैराथन में हम लोग बात करेंगे आज समाधान सीरीज पे। समाधान सीरीज भी आज करंट अफेयर एमसीक्यू पे हम बात करेंगे। 13 जुलाई है आज, डेली एमसीक्यू, करंट अफेयर एमसीक्यू 13 जुलाई 9 PM। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस करंट से पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी नए स्टूडेंट हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, अगर किसी को टेलीग्राम से दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर स्कैनर से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये युक्ति आई इसका लोगो है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे ऐप अवेलेबल है वहाँ। पहला क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अनुपालन स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस संस्था, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अनुपालन स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। पहला है नीति आयोग, दूसरा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, और चौथा है आपका यूएनईपी। क्या लगता है इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। तो इसका व्याख्या पे देख लेते हैं। तो दिल्ली स्थित जो है एक गैर लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा हाल ही में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अनुपालन स्थिति नामक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023 तक भारत की कोयला आधारित थर्मल बिजली उत्पादन क्षमताओं में से केवल 5% ने फ्लू गैस डिसल्विलाइजेशन तंत्र को लागू किया था, यानी कि FGD को लागू किया था। इसका सही ऑप्शन क्या था? सही आंसर है दिल्ली। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दिल्ली के पहले सीएम कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे दिल्ली के, कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि दिल्ली यूटी है, तो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, कमेंट करके मुझे आप सभी इसका जवाब दीजिएगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि खारची पूजा, ध्यान से, अरे सॉरी, एक मिनट रुक जाइए आप सभी। खारची पूजा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाई जाती है? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उड़ीसा। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में कोई ना कोई जो है त्योहार, फेस्टिवल्स, पूजा सब चलता रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, इसका सही जवाब है। तो खारची पूजा जो देख लीजिए, खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और यह अगरतला में जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार त्रिपुरी लोगों के पूर्वज देवता चतुर्दश देवता की पूजा पर केंद्रित होता है। कमेंट करके बताइएगा कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला सभी लोग जानते हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला त्रिपुरा में वर्तमान में जो है सीएम कौन है, लोकसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, इसके साथ ही साथ जो है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है, कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सी संस्था, ध्यान से देखिएगा, फिनप्लस पर एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार हुई है? पहला आरबीआई, दूसरा नीति आयोग, तीसरा सेबी, चौथा एनपीसी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सेबी। ठीक है, सेबी ऐसा करने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी जो है इसका सही जवाब है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, तीसरा है नेपाल और चौथा है बांग्लादेश। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किसने, तो वो ऑप्शन आपका बी जो है, यानी कि मालदीव जो है, वहां के देश के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, यहाँ मालदीव का जिक्र किया गया है, बाकी सब आप डिटेल पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, पांचवा प्रश्न, किस देश ने पूर्व व्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है? पहला श्रीलंका, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा म्यांमार। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं कि उसका सही जवाब है पाकिस्तान ने पूर्व व्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के अपने चुनाव अधिनियम में क्या किया है, संशोधन किया है। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य पूर्व व्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करना है। चुनाव संशोधन विधेयक 2023 नामक अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एकतरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देना है। हाल ही में किस वनडे स्पिन गेंदबाज ने लगातार 3 बार 5 विकेट लिए? पहला आर अश्विन, दूसरा है हंसरंगा, तीसरा साकिब अल हसन,
चौथा कुलदीप यादव। इसका सही जवाब है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं हसरंगा, उन्होंने लगातार 3 बार 5 विकेट लिए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो देख सकते हैं श्रीलंका के क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के दौरान वनडे में लगातार सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने हसरंगा ने किया है। बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण शुरू किया है? पहला आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, चौथा एमएसएमई मंत्रालय। इसका सही जवाब है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो उसने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए फिट असेसमेंट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन लॉन्च किया है? पहला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चौथा है विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ही सही है। तो जिन लोगों ने बी लगाया होगा, केंद्रीय मंत्री रूपाला ने नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली पोर्टल के लिए एनओसी अनुमोदन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है पीएम प्रमाण योजना लागू करता है? पहला रसायन और उर्वरक मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, केंद्र ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पीएम प्रमाण को मंजूरी दी है। पीएम प्रमाण का मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन पोषण एंड एवोल्यूशन ऑफ द मदर योजना। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है मोबिट क्या है जो हाल ही में चर्चा में खबरों में देखा गया है? पहला फाइल हस्तांतरण आवेदन, दूसरा फिटनेस ऐप, तीसरा प्रौद्योगिकी हैकाथन, चौथा इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है फाइल हस्तांतरण आवेदन। जिन लोगों ने ए लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। मोबिट क्या है? एक प्रबंधित फाइल हस्तांतरण एप्लीकेशन है जिसका उपयोग पूरे वित्तीय क्षेत्र में सिस्टम के बीच बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण टोटल 12 क्वेश्चंस। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर उसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। युक्ति आईएएस वे टू सक्सेस, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये युक्ति आईएएस का ऑफिशियल देख सकते हैं, टेलीग्राम स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।